हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फैन फिक्शन लिटिल किटन का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जंगकुक की फ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा था, क्योंकि जंगकुक उसे बार बार वार्निंग कर रहा था, जिस वजह से तंग और कुछ भी नहीं भी कर पा रहा था। और तंग को पता नहीं है वो किस तरह से जंगकुक की फ्रेंड के पास ये बोलेगा कि वो यहाँ पर जंगकुक के साथ एक्टिंग कर रहा है। उसे कोई भी शौक नहीं है जंगकुक के हस्बैंड बनने की। जंगकुक का उस पर तंग के साथ बैठा हुआ था और तंग के वेस्ट के अराउंड पॉजिटिवली अपने हाथ को ग्रैप करके रखा था, जिस वजह से तंग थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। पर वो चुपचाप रहता है और उसकी फ्रेंड की तरफ ध्यान देने लगता है। तब जंगकुक को तुरंत जंगकुक की एक फ्रेंड कहता है, जंगकुक तुम ज़्यादा ही पॉजिटिव बिहेव नहीं कर रहे हो, देखो वो थोड़ा सा घबरा भी रहा है या तो शाय फील कर रहा है। तुम्हें कम से कम उसे हमारे सामने इस तरह से फील कराने की ज़रूरत नहीं है, उसे कम्फर्टेबली बैठने तो दे ही सकते हो। तभी जंगकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और जंगकुक तुरंत ही तंग को अपने लैप पर उठा लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा तो है उसकी फ्रेंड के सामने ही जंगकुक तंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था और जंगकुक की शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है। इसे देखकर जंगकुक की फ्रेंड्स कॉन्फ्यूज हो गया था, क्योंकि कपल्स के बीच में किस तो नॉर्मल था, पर तंग क्यों स्लैप मार रहा है। और तंग जो फोर्सफुली जंगकुक को खुद के पास से जब दूर करता है, तब वो गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। और तंग जंगकुक के लैप पर से जब उठने की ट्राई करता है, तभी जंगकुक तंग की यार के पास उस पर करके कहता है, माय डियर किटन, इस तरह से मूव मत करो वरना इसकी इल्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बैड होगा, अब चुपचाप रहो और थोड़ा सा स्माइल करो जैसे सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक की तरफ तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से दिखने लगता है और गुस्से से उसके बाद जंगकुक के फ्रेंड्स की तरफ देखता है। तब जंगकुक पीछे से स्माइल करते हुए कहता है, असल में उसे बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है और वो हमेशा ही ऐसा करता है जब भी मैं सबको शो करा कर उसे किस करती हूँ, वरना कुछ भी नहीं, राइट माई डियर बेबी बॉय। तब तंग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है और मन में कहता है, सिर्फ मुझे यहाँ से जाने दो और उसके बाद देखना, मैं जिमिन के बारे में इस बारे में सारे सच बोलूँगी और उसके बाद तुम्हारी हालत को देखो मैं किस तरह से ख़राब करती हूँ। और तंग अपना इसको रोल कर लेता है। फिर जंगकुक के सारे फ्रेंड्स समझ पाते हैं कि तंग थोड़ा सा शाय पर्सन था। फिर जंगकुक की जो एक फीमेल फ्रेंड था वो कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जंगकुक, तुम लकी हो, तुम्हारे हस्बैंड इस तरह से शाय फील करता है, शाय पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, आई नो कि मैं लकी हूँ। और जंगकुक के कहने के बाद सबकी तरफ स्माइल करके देखता है। तब सब लोग थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि जंगकुक बहुत ही कम स्माइल करता है, पर वो लोग और कुछ भी नहीं कहता है। और जंगकुक उसके बाद सब कुछ एकदम नॉर्मली जितने ज़्यादा हो सके ले जाने की ट्राई कर रहा था और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जा रहा था। रात के टाइम पर वो लोग डिनर करने के बाद तंग जो अपने रूम में चला गया था, पर कुछ देर बाद रूम की डोर ओपन हो जाता है और जंगकुक भी रूम के अंदर आ जाता है। और तंग जो तब बेड पर जाकर सिर्फ प्लेट नहीं बाला था, वो जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है और जंगकुक को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, तुम क्यों मेरे रूम में आए हो। तभी जंगकुक तंग को स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम भूल नहीं जा रहे हो, ये रूम मेरा भी है, तो फिर मैं तो यहाँ पर आ ही सकती हूँ, इस तरह से अब बिल्कुल भी मत बोलो कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ, तुम क्या ये भूल गए हो कि अब हम दोनों हस्बैंड हैं, तो फिर अब तो हम दोनों को एक साथ ही रहना होगा। तब तंग शॉक होते हुए कहता है, हम लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों का एक साथ रूम में भी रहना होगा। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर सिर्फ हंसने लगता है और कहता है, जो भी हो बेबी बॉय चुपचाप जाकर सो जाओ, मैं भी जल्दी ही ज्वाइन देने वाले हूँ। और इसके साथ जंगकुक बाथरूम में चला जाता है और वो फ्रेश होने के बाद जल्दी से अपनी क्लोथ को चेंज करके अपने नाइट क्लोथ को पहनकर वो खुद भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। तब तंग जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक सिर्फ एक ट्राउज़र पहन कर रखा था वरना और कुछ भी नहीं पहना था। तब तंग कहते हैं, तुम्हें क्या करने वाले हो, तुम क्यों सिर्फ इस तरह से बाहर आए हो, तुम हमेशा क्यों शर्टलेस घूमते रहते हो, तुम्हें क्या थोड़ा सा भी शाय फील नहीं होता है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म नाम के चीज है अभी या फिर नहीं। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, वो तो नहीं है और मैं सच में क्यार भी नहीं करती हूँ, जो भी हो मुझे तो अब सोना है, मुझे नींद आ रहा है। और ये कहने के बाद जंगकुक तुरंत बेड पर आ जाता है और वो आकर
तंग को अपने पास खींच लेता है और तंग को हक कर लेता है। तब तंग शौक होते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, और वो जंगकुक की हैंड पर स्लैप मारने लगता है। पर जंगकुक गुस्से से कहता है, मूव करना बंद करो, मुझे नहीं पसंद कि तुम मूव करो। अब मैं जैसा कहते हो सिर्फ वही करोगे तुम। मैं चाहते हो तुम मुझे हक करके रखो, तो फिर तुम्हें मुझे अब हक करना होगा। तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, तुम्हें करना होगा, मतलब करना ही होगा। तब तंग शौक होते हुए कहता है, बट मुझे नहीं करना है। तुम समझते क्यों नहीं हो, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी ये सारे टच। मुझे सिर्फ यहाँ से जाने दो। और तुम यहाँ पर किसी और को भी ले आ सकते थे, पर मैं ही क्यों। तब जंगकुक तंग की नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, यही वजह से मैं तुम्हें सुस किया हो, और बाकी लोगों को मैं लाइक नहीं करती हूँ। तो फिर मैं क्यों फालतू की अब उन लोगों को यहाँ पर लेकर आऊँगी जिन लोगों को मैं लाइक तक नहीं करती हूँ। तब तंग गुस्से से कहता है, पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, तो फिर ये सारे चीज सिर्फ और सिर्फ वेस्ट जाएगा। तुम जो भी कुछ कर रहे हो इससे तुम मेरे दिल को कभी भी चुरा नहीं पाओगे। तब तंग की बात को सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, कब मैं तुम्हारे दिल को चुराने के बारे में कहा हो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारे दिल के बारे में मैं क्या नहीं करती हूँ, वो हेल में भी सा सकता है। मैं सच में क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ तुम मेरे साथ हो यही मेरे काफ़ी है, दिल अपने आप ही आ जाएगा। तब तंग जंगकुक की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा शौक था और कहता है, तुम सच में एक मैड पर्सन हो, तुम्हें मेंटल डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। तब जंगकुक कहता है, तुम खुद ही डॉक्टर हो, तो फिर मुझे दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगा, जबकि घर में ही डॉक्टर है, तो फिर बाहर के डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। तब तंग कहता है, हिल में जाओ, बस मुझे टच मत करो, और तंग जंगकुक के हाथ को फोर्सफुली हटा देता है। तब जंगकुक इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं, एक्चुअली तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है मुझे बोलो। तब तंग कहता है, ऑब्वियसली तुम मेरी प्रॉब्लम हो, और क्या मेरी प्रॉब्लम होगा, और मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे टच मत करो। मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही हूँ ना, तो फिर मैं बाहर करूँगी, पर अंदर कुछ भी नहीं। तभी जंगकुक तंग को टर्न कर देता है और उसे अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींच लेता है। तब तंग जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है और जंगकुक तंग के वेस्ट कॉर्नर अपने हाथ को टाइटली ग्रैप करके रखा था और उसकी फेस सोले सोले तंग की फेस की तरफ झुका कर लेकर जाता है। तब तंग घबराते हुए कहता है, तुम क्या करने वाले हो, और तंग की ब्रीथ बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गया था। तब जंगकुक इसे देख कर स्मार्ट करता है और तंग की एकदम लिप्स के पास अपनी फेस को लेकर आते हुए उसके लिप्स की तरफ घूरने लगता है और अपने आइस को सॉफ्टली बंद कर लेता है। तब तंग कंफ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जंगकुक असल में क्या करना चाहता है। और नेक्स्ट सेकंड ही जंगकुक तंग को अपने ऊपर खींच लेता है। तब जंगकुक तंग के नीचे था और तंग जंगकुक के ऊपर था। तब जंगकुक की तरफ तंग फिर से शौक होकर देखने लगता है और तुरंत कहते, तुम क्या कर रहे हो। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते, थोड़ा सा मुझे स्माइल करके दिखाओ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। आई स्वेयर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं करूँगी, मैं दूसरे साइड पर जाकर लेट जाऊँगी, सिर्फ थोड़ा सा स्माइल करो और मेरी लिप्स पर एक पिक करो, बस इतना ही काफ़ी है। अगर पिक भी नहीं कर सकते हो, लिप्स की थोड़ा सा क्लोज आ जाओ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं होगा। तब तंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, पर उसे ये समझ में आ जाता है, अगर जंगकुक ने ऐसा किया तो फिर अच्छा होगा। और तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ झुक जाता है, पर वो किस नहीं करता है। तब जंगकुक तंग की वेस्ट के अनुसार अपने हाथ को हटा लेता है और तंग को खुद के ऊपर से नमाते हुए कहता है, अब तुम फुल नाइट पीसफुली सो सकते हो। और ये कहने के बाद ही जंगकुक स्माइल करते हुए दूसरे साइड चला जाता है, जिसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था और वो अपने मन में सोचने लगते हैं, असल में जंगकुक के माइंड में क्या चल रहा है। फिर तंग और कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप वो सो जाता है, क्योंकि वो अब थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था। ऐसे ही तंग की डेस जाने लगता है। जंगकुक तंग को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था, जिस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा था कि जंगकुक असल में इतनी ज़्यादा मैड क्यों है, कि वो हर बार सिर्फ और सिर्फ तंग को तंग करता है। उसे नहीं पसंद कि जंगकुक इस तरह से तंग को टेस्ट करे, उसे टेस्ट करे, उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके साथ जंगकुक की फ्रेंड्स भी तंग को टेस्ट कर रहा था कि जंगकुक कैसा है, जंगकुक क्या तंग के साथ अच्छा है, क्योंकि वो लोग देख पा रहा है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा बदल गया है। जिस वजह से तंग को पता नहीं है कि वो असल में उसके फ्रेंड्स को क्या आंसर करेगा। जंगकुक खुद कैसा है इस बारे में तंग को नहीं पता, तो फिर तंग उन लोगों को क्या बताएगा। पर तंग हमेशा ही सिर्फ स्माइल करके उन लोगों को हाँ कह देता है। और फाइनली वन वीक जल्दी ही बीत जाता है और
सब कुछ ठीक हो जाता है और तंग अपने घर में जाने के लिए रेडी था। सब लोग ही अपनी पैकिंग कर रहा था और तंग सिर्फ जंगकुक के आने की वेट कर रहा था, क्योंकि जंगकुक ने जैसा कहा था वो तंग को सच में बाहर आने दिया था। और तंग जो कार में जंगकुक के आने की वेट कर रहा था, तंग ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक इतनी ज्यादा इजिली तंग को यहाँ से जाने देगा। वो तो सोच रहा था कि जंगकुक तंग को और भी ज्यादा ब्लैकमेल करने की ट्राई करेगा, पर ऐसा जंगकुक बिल्कुल भी नहीं किया था, जिस वजह से तंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी था। और जंगकुक जब बाहर आता है तब जंगकुक सीधा जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और अपने फ्रेंड्स की कार की तरफ बैक मिरर से देखता है, जो पीछे ही था। फिर जंगकुक अपनी कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर वो रास्ते में जब जा रहा था तब तंग विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें वो जगह अच्छा लगा था क्योंकि हम लोग बाहर भी गए थे, तुम्हें क्या सब कुछ अच्छा लगा था या फिर नहीं? तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, अच्छा था बट तुम बैठ थे। तब जंगकुक के फेस पर थोड़ा सा स्माइल आ जाता है और जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके। और जंगकुक तंग को जब उसके घर में ड्रॉप कर देता है, तब तंग जब अपने घर की तरफ जा ही रहा था तभी जंगकुक तंग को पीछे से कहता है, फिर से मिलेंगे माय डियर किटन, और इस बार इस तरह से मिलेंगे कि दोबारा से तुम्हें मुझे इस तरह से घर में ड्रॉप करने के पहले तुम यही याद रख पाओ कि जीवन जंगकुक एक स्टेप आगे चला जाएगा और तुम्हारी शायद कुछ बन जाएगा। तब तंग कहते, तुम मेरी बॉयफ्रेंड नहीं बन पाओगे जितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखकर सिर्फ एक विल स्माइल देता है और कहते, मुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनना भी नहीं है। और ये कहने के बाद जंगकुक कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था, तो फिर जंगकुक तंग के असल में क्या बनना चाहता है? पर तंग ज़्यादा क्या नहीं करता है और तंग अपने घर के डोर को ओपन करते हुए जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है और वो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था। और जंगकुक जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने घर की तरफ ना जाकर दूसरी तरफ जाने लगता है। हर एक टाइम पर जंगकुक के फेस पर एक इविल स्माइल था जो जा ही नहीं रहा था। और जंगकुक उस पर करते हुए कहता है, माय डियर किटन, वेट करो, जल्दी ही तुम्हारे लिए हस्बैंड बनकर आने वाले हूँ। और जंगकुक स्माइल करते हुए वो जहाँ पर जाना चाहता है चला जाता है। रात के ऑलमोस्ट 8 बजे जाकर जंगकुक अपने घर में वापस आता है। आने के बाद जिमिन उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम क्या कर रहे थे? हाँ बोलो, तुम्हारी वजह से तंग ने मुझे बोला है कि तुम मुझसे बहुत ही बैड तरीके से ट्रीट कर रहे थे और तुम उससे ब्लैकमेल करके 7 डेज तक उसके हस्बैंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहे थे, ये सब कुछ क्या है? तब जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन के हाथ को फोर्सफुली उसकी कॉलर के पास से हटाता है और कहता है, मॉम डैड वापस आ गया है? तब जिमिन कहता है, हाँ आ गया है, और रुको मैं तुम्हें शो करती हूँ और मैं मॉम डैड को इस बारे में सब कुछ बोलूँगी। तब जिमिन की तरफ जंगकुक सिर्फ स्माइल करके देखता है और कहते, प्लीज़ कैरी ऑन ह्योंग, मैं चाहती हूँ आप करिए। तब जिमिन शॉक हो जाता है, जंगकुक ने उसे ह्योंग बोला था, ये शॉकिंग था। फिर जिमिन कहता है, रुको मैं अभी बोलती हूँ। और कहने के बाद ही जिमिन कहता है, मॉम डैड आप लोग कहाँ पर हैं? प्लीज़ आप लोग बाहर आ सकते हैं, आप लोगों की प्यारा सन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। तब जंगकुक कहता है, प्यारा सन तुम होगे, मैं नहीं। तब जिमिन सिर्फ जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। और उसके बाद ही उसके मॉम डैड जब वहाँ पर आ जाता है तब जिमिन की तरफ उसके मॉम देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्या हुआ है जिमिन, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? बोलो क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है? तभी जिमिन कहते हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपको पता है आप लोग की जो ये सन है ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, वो मेरी फ्रेंड को 1 वीक तक ब्लैकमेल करके उसके हस्बैंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कह रहा था, आपको पता है उसे कैसा फील हो रहा था, कैसे आपके सन ही कर सकता है? तब ये सुनकर मिसेस पार्क तुरंत जंगकुक को कहते हैं, क्या हुआ है जंगकुक, क्या कैसे हो सकता है, तुमने क्यों ऐसा किया हो, तुम शांत हो, ये बैड बिहेवियर है, तुम कैसे इस तरह से अब सबको जो भी कुछ चाहते हो वो ज़बरदस्ती ले सकते हो? तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं उसे लाइक करती हूँ और मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं देख पा रही हूँ। तब मिसेस पार्क शॉक हो जाता है और कहते, क्या तुम सच में उसे लाइक करते हो? तब जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, और यही वजह से मैं उसे मेरी सीक्रेट हाउस में लेकर गया था और मैं वहाँ पर उसे एक्टिंग करने के लिए कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, हम लोग तो वहाँ पर सच में थे और आपको पता है वो सच में मेले फील रखता है, सिर्फ वो एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। तब मिसेस पार्क कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो तुम्हें लाइक करता है पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है? तब जंगकुक कहता है,
बस उसकी मानना ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हूँ और वो फेमस नहीं है। इस वजह से अगर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ के दिल को तोड़ दूँगी जो नहीं चाहता है। सिर्फ यही वजह से वो ये चाहता है कि मैं उसे अब छोड़ दूँ जो मैं नहीं कर सकती हूँ। और मेरे पास प्रूफ है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और मिसेस किम और मिस्टर किम को मैं ऑलरेडी राजी करा लिया हूँ और उन लोगों ने बोला है कि हम लोगों की शादी नेक्स्ट वीक ही होगा और ये फाइनल डिसीजन है और मैं इसमें और कोई भी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। तब जिमिन जो पूरी तरह से शॉक होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। क्या ये सब कुछ सच था? उसे क्यों नहीं पता? और अगर सच भी होगा तो फिर जंगकुक क्यों ऐसा कह रहा है? वो तो पहले भी कह सकता था। और उसकी सोलमेट ने क्यों नहीं उसे बताया? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जिमिन कहता है, मैं तुम्हारी छोटी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तंग मुझे हर एक बातें कहता है, तो फिर वो क्यों मुझे नहीं बोलेगा? तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और अपने फ़ोन को निकालता है और कहते हैं, क्या काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि मैं और तंग एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से फील रखते हैं? तब जिमिन कहते, क्या शुक्राना चाहते हो? और जिमिन जब जंगकुक के फ़ोन को देखता है तब वहाँ पर बहुत सारे किसेस की पिक था जो जंगकुक और तंग एक दूसरे को कर रहा था और उसके साथ तंग किस तरह से स्माइल करके जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक किस तरह से तंग की तरफ देख रहा था, हर एक चीज वहाँ पर था। फिर जंगकुक कहता है, सेम ही बात मिस्टर किम और मिसेस किम भी कह रहा था, पर देखो मैं प्रूफ कर दिया हूँ और मिस्टर किम और मिसेस किम फाइनली हमारी वेडिंग के लिए राजी हो गया है। और मॉम, मुझे नहीं लगता कि आप इस बारे में अब कोई भी बातें करेंगे, लाइक सीरियसली आपके अपने सन के अब तरफदारी नहीं करेंगे, आपके अपनी सन को सपोर्ट नहीं करेंगे? आप क्या वही सारे लोगों के अंदर आएंगे जो लोग हम लोग को एक साथ नहीं देखना चाहता है? आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? और ह्यूंग, मैं तो कम से कम आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। आप अपनी फ्रेंड के बारे में इतनी ज़्यादा सोचते हैं तो फिर आप उसके हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोच सकते हैं? तब जिमिन कहता है, मैं उसके हैप्पीनेस के बारे में जानती हूँ पर वो तुम्हें लाइक नहीं करता है, तुम कैसे ये सारी झूठी बातें कह सकते हो? तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, अगर झूठ होता तो फिर वो स्माइल क्यों करता? और ये सारे पिक में कोई भी एडिट तक नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप यहाँ से ही बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, ये सब कुछ मेरे कैमरा से उठाया गया है, तो फिर यहाँ पर एडिट कैसे हो सकता है? आपको शायद सारे सीस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ही पता चल रहा है और आई होप कि मुझे आपको और कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होगा। अब क्या इस वजह से जलस फील कर रहे हैं कि आपकी किटी आपको जल्दी से शादी नहीं कर रहा है? तब जिमिन कहते, चुप रहो, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं किया हूँ, हम लोग सिर्फ डेट कर रहे हैं। तब मिसेस पार कहते, क्या जिमिन तुम खुद भी किसी के साथ हो? तब जिमिन कहते, नो मॉम, हम लोग सिर्फ डेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तब मिसेस पार कहते, ओके मैं समझ गया, पर जंगकुक की बातें सच में सीरियस हैं, हम लोग को मिस्टर किम और मिसेस किम के साथ पहले बातें करना होगा। तब जंगकुक कहते, प्लीज श्योर, क्यों नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, पर तंग इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराता है और उसके साथ उसे इस बात का भी डर है कि मेरी फैंस तंग को हर्ट करेगा, यही वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। पर प्लीज़ आप लोगों को भी समझना चाहिए कि तंग के ऊपर से क्या जा रहा है, मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों अलग हो जाएं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बैडली फील रखते हैं, प्लीज़ उसकी फीलिंग को भी समझने की ट्राई करना। तब मिसेस पार्क कहता है, हाँ हम लोग करेंगे, तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नीचे आओ, डिनर करना है। तब जंगकुक कहता है, मेरा मूड नहीं है, मैं मेरे बेबी बॉय के साथ बातें करने के लिए जा रही हूँ, शायद वो सैड होगा क्योंकि हम लोग अब एक साथ नहीं हैं। और ये कहने के बाद जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसके साथ वो ऊपर की तरफ चले ही जाने वाला था, पर जिमिन के हाथ से अपने फ़ोन को छीन लेता है और जिमिन को कहता है, अपनी केटी की तरफ ध्यान दो, ज़्यादा लोगों की तरफ ध्यान मत दिया करो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और जंगकुक इसके साथ अपने रूम में जाता है और तंग को तुरंत मैसेज करता है और कहता है, हे माय डियर किटन, तुम क्या अपनी अब डैडी को मिस किया हो? तभी तंग गुस्से से कहता है, कौन डैडी? तभी जंगकुक कहता है, यस मैं भी तो गलत बोला हूँ ना, इस हस्बैंड होगा। तब तंग तुरंत कहता है, लिसन, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ये सब कुछ गलत है, ना तो तुम मेरी हस्बैंड हो, ना तो तुम मेरी डैडी हो, ना तो कुछ भी हो, ओके? अब मैं फ़ोन को रख रही हूँ, तुम जो भी कुछ कर रहे हो ये सब कुछ गलत है। तब जंगकुक कहते हैं, ओके बेबी बॉय, जो भी हो जल्दी ही हम लोग मिलने वाले हैं, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए कुछ, और ये सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से तुम्हें हैप्पी कर देगा।
आई मीन्स तुम्हें बहुत ही बैड तरीके से शॉक कर देगा, ओके? तो फिर फिकर मत करना, मैं तुम्हारे साथ या तो हॉस्पिटल में मिलूंगी या तो हम लोग सीधा एक दूसरे के सामने ही मिल सकते हैं। जो भी हो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता है किस तरह से खुद के हार्ट अटैक को रोकना है, क्योंकि वो न्यूज़ तुम्हें हार्ट अटैक ही देगा। तब तुम गुस्से से क्या था, क्या बकवास कर रही हो, अपनी बकवास को बंद रखो, वरना मैं अभी गन लेकर तुम्हारे घर में जाकर तुम्हें शूट करके उड़ा दूंगी। तब जंगकुक तुम को हंसते हुए क्या था, इस तरह से मत बोलो बेबी बॉय, अपने फ्यूचर हस्बैंड को अगर मार दोगे तो फिर कैसा होगा, तुम होल लाइफ के लिए रिग्रेट करोगे। तब तुम गुस्से से क्या था, अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हें लेकर कोई भी रिग्रेट नहीं करने वाली हूँ मैं। तब जंगकुक क्या था, ओके ओके, मेरी एंग्री बट बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया है, पर जल्द ही मेरी बेबी बॉय मेरी बातों का हर एक मतलब समझ पाएगा। ओके बेबी बॉय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, क्योंकि जल्द ही तुम और मुझे मिस भी नहीं करोगे। और जंगकुक किसके साथ अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। तब तुम गुस्से में अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है और कहते हैं, इस बॉय को सच में मेंटल हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है, इसके दिमाग थोड़ा सा हिल गया है। और ये कहने के बाद तुम एक लंबा सांस लेता है और वो अपने डिनर को कम्प्लीट करके जब उसके रूम में आता है, तब वो जब अपने फ़ोन को चेक करता है तब देखता है कि जिमिन ने उससे मैसेज करके कहा था कि कल तंग उन लोग के घर में डिनर पर आए, तंग के मॉम डैड भी आने वाला है, जिसे देखकर तंग कंफ्यूज था, पर तंग हाँ कह देता है और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को रख देता है और वो जल्दी से जाकर सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।